जी शिव, सवाल ये कि हमारा हकीका हो के नहीं है, हमारी उम्र अब 40 से 50 तक हो गई है, हकीका नहीं होकर हमारे वालिदैन भी नहीं करे और हम भी हमारे बच्चों का भी हकीका नहीं करे, हमको मालूम नहीं था इतना। जब हिस्ट्री में हमें ढूंढना शुरू हुआ तब हमें मालूम हुआ कि सुन्नत है, ये करना वाजिब है करके। अब इसका मसला क्या करें हम, कैसा करें, समझ में नहीं आ रहा हमको। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल ये है कि उनका अकीका नहीं हुआ है, अब उनकी उम्र 40, 45, 50 साल हो गई है, तो अब उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने साथ में एक बात और कही कि बाद में हमको पता चला कि ये सुन्नत है, वाजिब है। तो देखिए, अकीका ये सुन्नत मुअक्कदा है सही कौल के मुताबिक, वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। और अकीका करना ये जो बच्चे का वालिद है ये उसका हक है और ये उसके लिए सुन्नत मुअक्कदा है। अगर उसने बच्चे का अकीका नहीं किया हुआ है और बच्चा बड़ा हो गया, तो अब भी अगर वो चाहे तो बड़ा होने के बाद बच्चे का वालिद उसका अकीका कर सकता है, बल्कि उसको करना चाहिए, क्योंकि वो रहन की तरह से उसके ऊपर है, तो वो सुन्नत उसी वक्त अदा होगी जब वो कर देगा। तो अगर वालिद मौजूद है तो वालिद अकीका करेगा अपने बच्चे का, अगर बचपन में उसके पैदाइश के वक्त नहीं कर सका है या नहीं किया है तो। लेकिन अब अगर वालिद मौजूद नहीं है और वो बच्चा बड़ा हो चुका है, वो चाहता है कि अपना अकीका कर दे, तो क्या उसको अकीका करने की इजाजत है, क्या इससे वो सुन्नत अदा हो जाएगी कि नहीं, इसमें उलमा के दरमियान बड़ा इख्तिलाफ है। लेकिन जो बात ज्यादा सही मालूम होती है कि चूंकि अकीका को रहन कहा गया है, तो और वो रहन उसके वालिद के ऊपर था, उसका वालिद उसके वालिद ने उसे अदा नहीं किया है, तो अब अगर वो बच्चा चाहे तो अदा कर सकता है। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकती हैं, हालांकि इस सिलसिले में कोई मरफू हदीस, कोई सही हदीस साबित नहीं है। एक हदीस लोग पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका किया, आप याद रखें कि वो हदीस सही नहीं है। तो किसी हदीस से सराहतन किसी इंसान का अपना अकीका करना ये साबित नहीं है, लेकिन चूंकि अकीका ये रहन की तरह से है, इसलिए बहुत सारे उलमा ने इजाजत दी है कि कोई आदमी अपना अकीका अगर उसका नहीं हुआ है तो वो कर सकता है, गोया कि अपने वालिद की तरफ से वो चीज अदा कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए आप टेंशन ले कि मेरे वालिद से एक वाजिब छूट गया था। वो वाजिब नहीं है, वो सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन अगर फिर भी आपको ख्वाहिश है तो आप अपना अकीका कर सकते हैं बड़ा होने के बाद।